अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर क्या है, ठीक हो? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और बहुत मजे में होंगे। आज हम बनाएंगे मैंगो सब्जी केक। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये लिया है मैंने कप चीनी, 2 कप सूजी, 2 कप के करीब है मैं। तो ये है ऑयल, तो ऑयल मैंने लिया है 1/4 कप। तो ये है बेकिंग पाउडर और ये है बेकिंग सोडा। तो शुरू करते हैं, फिर बाकी सब चीजों को हटा लेंगे। तो ये मैंने लिया है ग्राइंडर का जग। तो अब शामिल करते हैं ये हम जो हमने काट के रखा हुआ है। 2 बड़े बड़े आम थे जो मैंने काट के रखे हुए थे। तो अब जो ये है चीनी, तो चीनी को भी इसी में शामिल कर देंगे। अब करते हैं इसको ब्लेंड। और ये भी हो गया। तो अब इसको करते हैं साइड पे मशीन को। और ये मैंने बॉल लिया है, बॉल में ये बैटर जो है मैंगो और चीनी का, तो ये शामिल कर देंगे। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 कप सूजी, भी मैंने नाप के रखी हुई है 1 कप। और ये है 1/4 कप ऑयल, तो ये भी शामिल कर देंगे। तो ये है 1 कप दूध। सूजी पे डिपेंड करता है ये कितना दूध लेगी, 2 कप लेगी, 1.5 कप लेगी। तो ये 1 कप मैंने दूध का शामिल कर दिया है। तो ये 1/4 टीस्पून मैं शामिल करूंगी छोटी सब्ज इलायची का पाउडर। आपके पास ये ना हो तो वनीला एसेंस शामिल कर दें, चंद कतरे। ये भी थोड़ा सा पीके। तो ये दूध और शामिल करेंगे। इतना बैटर गाढ़ा है हमारा, तो अब इसको ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो अब ये देखें आधा घंटा हो गया, तो देखते हैं फिर। तो अब ये फिर जग ले लेंगे ब्लेंडर का, तो इसमें ये बैटर शामिल करेंगे। तो ये हम 2 दफा करके कर लेंगे, बैटर हमारा ज्यादा है तो मशीन। ये बैटर इसमें शामिल कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो ये है दूध, कप से ये बचा के रखा हुआ था। ये देखिए थोड़ा सा ये भी शामिल कर देंगे, 2 कप दूध के शामिल कर दिए मैंने। ये देखें इतना ही काफी है। तो ये है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा है 1/4 टीस्पून। तो ये है टूटी फ्रूटी, जिसमें थोड़ा सा मैं ना अमल करूंगी। तो ये है कि टूटी फ्रूटी जो है ना ये नीचे नहीं बैठेगी। तो ये मैंने ये मोल्ड लिया है, मोल्ड को मैंने पहले ग्रीस किया है और फिर बटर ये लगा दिया है, लगा के फिर ग्रीस कर दिया है। तो मैंने पहले से तैयार करके रख लिया था। तो अब ये इसमें शामिल करते हैं बैटर को। कोई भी चीज़ हो बर्तन को अच्छे से साफ करके तो निकाल लिया करे, चीज़ आया ना हो। तो अब इसको जो है ना ऐसे करेंगे, तो ये ऊपर से टूटी फ्रूटी इसे गार्निश कर देंगे। तो ये करेंगे शामिल करेंगे बादाम जो काट लिए थे मैंने, तो इसे भी गार्निश कर देंगे, ऊपर से छिड़क देंगे। तो अब आते हैं पतीले की तरफ। तो ये पतीला मैंने कोई पुराना सा पतीला ले लिया है, 5 मिनट पहले मैंने रख दिया था। तो ये बड़े ध्यान से रखेंगे, तो 35 मिनट के लिए रखेंगे, 35 से 40 मिनट तक। तो दम वाली आँच है मेरी और इसमें ये पकाएंगे। तो ये देखो माशाल्लाह से ज़बरदस्त बने, ये माशाल्लाह देखें बहुत अच्छे से फूल रहे हैं, फूला है। तो काट के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह से ज़बरदस्त। ये देखो, देखिए अंदर से झाड़ी बन रही है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है ये बनाए। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखना कि ये कैसा बनाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।